हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम डिज्नी का कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे। मैं स्ट्रिच को ड्रॉ करने वाली हूँ। पहले हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम उसका ओपेसिटी कम करके सेकंड लेयर पे यूज़ करेंगे। मैं मोनो लाइन ब्रश का यूज़ कर रही हूँ जो आता है कैलीग्राफिक ब्रश में फाइनल आउटलाइन के। जब आप रफ आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हो और जब आप फाइनल आउटलाइन ड्रॉ करते हो, तब आपको लगता है कि आपके रफ आउटलाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करो। उसके लिए आप कभी हेजिटेट मत हो, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उसको आप अपने हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई जगह एक ही कलर से फिलअप करनी है तो आप उस जगह को अच्छी तरीके से क्लोज कर लो। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक साइड अच्छी तरीके से क्लोज नहीं की, तो वो जितनी एरिया में वो जगह पैक था उस एरिया में वो फैल गया। अगर आपको उस पैक एरिया में ही छोटी जगह पे करना है कलर को ड्रॉप, तो आप छोटी जगह को अच्छे से पैक करो। कोई भी छोटी से छोटी भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रश हम आउटलाइन के लिए यूज करें वही आप भी यूज करें। मेरा ये आउटलाइन पूरी तरीके से क्लोज नहीं है और मैं यहाँ पे अभी कलर सेलेक्ट करने वाली हूँ, जो कि मैं इसके लिए ब्लू कलर सेलेक्ट करूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैं ड्रॉप करूँगी तो पूरे कैनवास पे आ जाएगा। इसके लिए मैं फिगर क्लोज कर लूँगी जहाँ पे मेरे को कलर फिलअप करना है।
आउटलाइन को हाईलाइट कर देते हैं। We'll be right back.
कॉपी करके शैडो एडजस्ट कर लेंगे। Thank you for watching my video. Like my video, subscribe my channel and hit the bell button for further updates.